सो है गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग और आज मैं ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन से कपड़े पहनती हूँ ज्वेलरी का कलेक्शन है सब कुछ दिखाऊंगी मैं आज के ब्लॉग में सो so, सबसे पहले मैंने ये ब्लॉग मेरे घर से ही स्टार्ट किया है क्योंकि कुछ कपड़े जो है जो मैं रेगुलरली बेसिस पे पहनती हूँ वो तो मैं घर पे रखती हूँ और जो मेन शूट के लिए होता है वो मैं क्लास में रखती हूँ सो so, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं घर पर कौन कौन से कपड़े हैं जो रखती हूँ और कौन कौन से कपड़े मैं पहनती हूँ सो आ जाओ तो गाइज सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं कौन कौन सी जींसें है मेरे पास और कौन कौन सा कलर है सो आ जाओ गाइज बेसिक में तो मेरे पास ब्लैक बहुत सारे जीन्स है ब्लैक बताऊँ कितनी है मेरे पास देखो एक ठीक है ये दो तीन और चार चार मेरे पास ब्लैक जीन्स है ठीक है ये मैंने अभी मेरे बर्थडे पे ली थी दो मेरे पास ब्लू जीन्स है एक लूज़ में है एक फिटिंग में है और एक मेरे पास ये जीन्स है इसका कलर शायद इसका ही है कि ऐसे ही कुछ है ठीक है सॉरी इसका ग्रे है कलर और इसका है ये लाइट ब्लू है तो मेरे पास ये जीन्स है ठीक है वन टू थ्री फोर टोटल मेरे पास जीन्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन जीन्स है मेरे पास और लगी लगी। हाँ क्योंकि टेन जीन्स है मेरे पास एक जीन्स मैंने पहन रखी है जो मैं अभी जूडियो से लेके आई थी टोटल मिला के मेरे पास टेन जीन्स है तो अब दिखाती हूँ मैं कि मेरे पास टॉप कितने हैं तो गाइज अब मैं क्रॉप टॉप टी शर्ट ठीक है और फ़्रॉक वगैरह जो कुछ भी है ना वो मैं दिखाती हूँ तो गाइज़ ये है मेरे पास टी शर्ट है ये जो वन पीस है ये है क्रॉप टॉप ये है क्रॉप टॉप और ये जो स्वेटर और जो भी इनर वगैरह है वो मैं पहनती हूँ ना वो है सो so देखो टी शर्ट है मेरे पास एक तो ये ब्लैक कलर की टी शर्ट है एक पिंक पिंक कलर की टी शर्ट है वापस एक वाइट कलर की टी शर्ट है फिर मेरे पास पिंक कलर की टी शर्ट है फिर वाइट कलर की टी शर्ट है और रेड कलर की टी शर्ट है यानी टी शर्ट टोटल कितनी हुई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी सिक्स हो गई मेरे पास टी शर्ट अब ये है मेरे पास वन पीस ये है ब्लैक कलर का ये भी है ब्लैक कलर का और ये मैंने पिछले मेरा बर्थडे देखा होगा आपने पिछले बर्थडे वाला वीडियो उसके अंदर मैंने ये पहन रखा है तो उसके बाद मैंने इसको कभी पहना नहीं वापस और ये तो मैंने अभी कल ही पहना था तो आपने देखा होगा ये भी मैंने पहन रखा है आप लोगों ने देखा होगा इसको जैकेट के साथ पहनती हूँ मैं तो ये है मेरे पास तीन फ्रॉक अब गाइज ये है पास क्रोप टौप. क्रोप टौप मेरे पास क्रॉप टॉप क्रॉप टॉप मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि देखो इधर भी क्रॉप टॉप इधर भी क्रॉप क्रॉपटॉप साफ साफ पता चल रहा है मेरे पास बहुत सारे क्रॉप टॉप है तो ये है मेरे पास शर्ट में क्रॉप टॉप है ये भी मेरे पास शर्ट में टॉप है ये टी शर्ट में क्रॉप है ये भी शर्ट में क्रॉप है और ये नेट का है ये भी क्रॉप है पर ब्लैक में है और ये भी ब्लैक क्रॉप टॉप है और ये भी क्रॉप टॉप है जो टी शर्ट में है ये सारे कपड़े आपने देख रखे होंगे ये मैं अब पहनती नहीं हूँ ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं उनसे पहनती नहीं हूँ पर उसको धीरे धीरे पहनूंगी फिर ये है ये तो मैं अभी बर्थडे पे लेके आई हूँ फिर ये भी आप लोगों ने देख रखा होगा ये भी देख रखा होगा ये भी देख रखा, भी देख रखा हो यानी टोटल मेरे पास क्रॉप टॉप कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ये देखो नीचे गिर रहा है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन यानी मेरे पास थर्टीन है क्रॉप टॉप अब ये है मेरे पास जो मैं सर्दियों में पहनती हूँ तो ये है ब्लैक कलर का इनर मान लो ठीक है फिर ये है आ, स्वेटर ये है स्वेटर ये है स्वेटर और ये है जैकेट ब्लैक कलर का यानी ये होगा टोटल वन टू थ्री फोर फाइव यानी टोटल देखो कितने सारे ये टी शर्ट ये वन पीस ये क्रॉप टॉप क्रॉप टॉप और सर्दियों के कपड़े यानी ये हो गए और फिर जीन्स है तो मैंने आपको पहले दिखाई दी है अब मैं दिखाती हूँ कि मैं स्कूल जो जाती हूँ उसके लिए मैं क्या पहनती हूँ और कैसे तो गाइस अब मैं बताती हूँ कि मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं कौन कौन से कुर्ते पहनती हूँ और दूसरा ज़रूरी नहीं कि मैं स्कूल में ही पहनूँ मैं क्लास में भी पहन लेती हूँ तो दिखाती हूँ कुर्ते तो देखो मेरे पास कम ही हैं पर है तो सही ये आपने देखा होगा कुर्ता जो मैंने होली के दिन पहना था ठीक है एक ये कुर्ता है और ये मेरे पापा ने मुझे दिलाया था मैंने बताया था और फिर एक ये है जो ये मेरी मम्मी ने खुद सिला है ये पूरा गाउन टाइप है ये मम्मी ने खुद सिलाई ये मैंने पहना नहीं है पर मैं पहनूंगी इसको बहुत जल्द पहनूंगी और ये है जो नॉर्मल रेगुलर के लिए मैंने रखा है जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ ये वाला भी आपने देखा होगा इसको भी मैंने पहन रखा है वीडियो में और ये वाला आपने नहीं देखा होगा क्योंकि ये मैं बहुत कम पहनती हूँ बट स्कूल के लिए पहनती हूँ इसको ज़्यादातर मैंने स्कूल में यूज़ किया है ये भी कुर्ता आपने देखा होगा दिवाली पे लेके आई थी मैं इसको ये मुझे अभी सर ने दिलाया था फर्स्ट टाइम तो और ये है ब्लैक कुर्ता जो मैं हमेशा पहनती हूँ तो ये है मेरे पास कुर्ते और एक कुर्ता मेरा क्लास में है और दूसरा मेरी फ्रेंड के पास है जो मैंने अभी न्यू न्यू मंगाया था नेट वाला उसका व्लॉग भी डाला है मैंने तो वो है मेरी फ्रेंड के पास तो टोटल मेरे पास कुर्ते कितने हुए तीन तीन छः तीन नौ एक क्लास में है दस और एक मेरे फ्रेंड के पास है ग्यारह तो टोटल मेरे पास हुए ग्यारह सूट तो गाइस ये मेरे घर का कलेक्शन जो मेरे घर पे रहता है और एक मैंने ये पहन रखा है जो मतलब तो ये भी दिखाऊंगी मैंने मैंने कौन सा पहन रखा है तो अब हम चलते हैं क्लास क्योंकि मेरे घर पर मैं इतने ही रखती हूँ जो रेगुलरली मैं घर पे पहनती भी हूँ या घर से भी पहन के मैं जा सकती हूँ इसलिए घर पे मैं इतने ही रखती हूँ पे 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 तो अब हम चलते हैं क्लास फिर मैं क्लास में बताऊंगी मेरे पास क्या क्या चीजें तो फटाफट चलते हैं क्लास फिर मैं बताऊंगी मेरे पास क्या क्या चीजें हैं क्या ज्वेलरी है क्योंकि सब कुछ है ये क्लास में तो आ जाओ चलते क्लास तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं क्लास जाने के लिए तो फटाफट चलते हैं क्लास और ये वेस्टॉल लेके आगे तो हम स्कूटी के साथ रेडी हो चुके हैं अब चलते हैं क्लास फिर मैं मेरे आगे का कलेक्शन दिखाती हूँ तो गाइज़ हम अब आ गए हैं क्लास में और हम क्लास में देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी ड्रेसें हैं सो देख लो ये ड्रेसें हो गई है रेडी मतलब ऐस, ऐसी रखती हूँ मैं अब बताती हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं तो गाइज यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये लहंगा है ये लहंगा आपने मुझे वीडियो में देखा होगा पहनने के लिए मैं बता दूँ ये लहंगा मेरी मम्मी ने रेडी किया है पूरा लहंगा मतलब जो भी किया उन्होंने हाथों से सिलाई से खुद ही रेडी किया है तो ये लहंगा मेरा फेवरेट है और ये एक लहंगा है रेड कलर का ठीक है फिर ये है इधर ब्लाउज है ठीक है ये है वन पीस जो मैंने अभी तक मतलब ये टू पीस है जो मैंने आज तक पहना नहीं एक्चुअली लिया था मैंने दिल्ली जाने के लिए बट मैं गई नहीं तो मैंने उसके बाद पहना भी नहीं सो ये न्यू का न्यू पड़ा हुआ है ठीक है उसके बाद में ये एक रेड कलर का टॉप है और ये एक कुर्ता है जो मतलब सिलवाना है मुझे ये रेड कलर का टॉप है फिर मैंने बताया था कि एक जैकेट के ऊपर मैं पहनती हूँ तो जैकेट तो ये रहा और एक कुर्ता जो मैंने बताया था क्लास में पढ़ा वो भी ये है तो ये कुर्ता हो गया फिर ये साड़ी जो मैंने अभी तक फुल वीडियो में नहीं पहनी है सिर्फ मैंने व्लॉग में पहना है और प्रिंसेस वाला जो हुआ था चैलेंज उसमें भी मैंने पहन रखा है तो ये है पिंक कलर वाली साड़ी ये तो मेरी डायरी है और फिर ये है रेड कलर का लहंगा ये है ब्लू कलर आ, नहीं हाँ ये भी लाइट ब्लू ही हो गया ठीक है वो लहंगा है और ये ब्लैक कलर का लहंगा है ठीक है तो ये मेरे पास लहंगे कितने हो गए वन टू थ्री फोर यानी फोर लहंगे हैं और उसके बाद एक रेड वाली साड़ी तो आप लोग सब तो जानते हो ठीक है रेड वाली साड़ी और ये ब्लैक वाली साड़ी मेरी एक साड़ी है जो मेरी मम्मी शादी में लेके गई हुई है वो आएंगी जब आएगा और एक और सूट है जो मेरी मम्मी लेके गई हुई है तो वो उनके पास ही है तो टोटल मेरे पास साड़ियाँ हैं वन टू थ्री लहंगे हैं वन टू थ्री फोर और फिर यहाँ पे एक टॉप वन पी ये टू पीस हो गया फिर बाकी ये चीजें हो गई और वो जो हेयर मैंने लगाए थे ना लॉन्ग वाले वो हेयर ये रहे तो अब दिखाते हैं आपको मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन सो आप लोग रेडी हो तो देखते हैं फटाफट ज्वेलरी का कलेक्शन तो गाइज़ ये है ज्वेलरी का कलेक्शन ये है बिंदी जो मैं तारक मेहता का शूट होता है ना उसके अंदर लगाती हूँ ये है जूड़ा पिन ये है जुड़ा पिन ये झुमके हैं जो नॉर्मली मैं पहन लेती हूँ और ये भी मैंने तारक मेहता वाले में पहना था तो गाइज़ अब देखते हैं ज्वेलरी का कलेक्शन और ये है ब्लैक वाले झुमके नॉर्मल जुण, नॉर्मल झुमके जो मतलब सूट कभी पहनती हूँ ना तो उसमें पहन लेती हूँ ये है जो अपन मतलब लगाते हैं आप कैसे बताऊँ बट जो भी है है फिर ये भी है जो मैं तारक मेहता वाली शूट में पहनती हूँ और ये मेरी घड़ी टूट गई है एक्चुअली ये झुमके हैं जो मैं रेगुलरली ज़्यादातर पहन ही लेती हूँ और ये जो है ये मैं हर बार पहनती हूँ तो ये तो देखे ही होंगे आपने ये वाले झुमके देखे ही होंगे ये पता है मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इसको लेके आई हूँ और ये है चूड़ियाँ और ये है ब्लैक वाली चूड़ी ये है ब्रेसलेट ये चूड़ी ये चूड़ी और ये है ना मुझे है ना मतलब एक अभी सर की मम्मी ने दिया था ताकि जैसे तारक मेहता वाला शूट करना हो उसमें जूड़ा भी ऐसा ही होता है तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो उनके पास पड़ा था तो ये उन्होंने मुझे दिया तो ये है मेरी ज्वेलरी का कलेक्शन और कपड़ों का कलेक्शन तो गाइस ये था मेरे कपड़ों का और ज्वेलरी का कलेक्शन तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में बताना और नेक्स्ट ब्लॉग में बनाने वाली हूँ मेकअप पे कि मैं मेकअप में क्या क्या यूज़ करती हूँ मैं यूज़ करके भी बताऊँगी सो तो वो ना वो ब्लॉग किस किस को चाहिए वो ही मुझे बताना तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाय